हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं बिल्डर हॉल 9K ट्रॉफी पुशिंग स्ट्रेटेजीज, और उसी के साथ हम देखने वाले हैं ब्रिजेश वर्सेस अली गेमिंग यूट्यूब में कौन जीतता है बैटल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कौन है अली गेमिंग यूट्यूब और कौन है ब्रिजेश। ये दोनों प्लेयर जो है वो है दोनों के दोनों टॉप प्लेयर्स। एक है ग्लोबल टॉप प्लेयर जैसे कि आप देख सकते हो अली गेमिंग यूट्यूब, और दूसरा जो है ब्रिजेश वो है हमारा लोकल इंडिया का टॉप प्लेयर जो अभी इस वक्त नंबर वन लिस्ट पे है। तो चलिए मैं आपको इन दोनों के अटैक्स दिखाता हूँ, ब्रिजेश ने किस तरीके से अली गेमिंग यूट्यूब पे अटैक किया है। तो ये रहा वो बेस अली गेमिंग यूट्यूब का, जैसे कि आप देख सकते हो एक टोटली सेंट्रलाइज टाउन हॉल है इस बेस के ऊपर। यहाँ पर ब्रिजेश जो है अपनी एयर आर्मी से अटैक करने वाले हैं, मिनियंस बेबी ड्रैगन्स और ड्रॉप शिप यूज़ करने वाले हैं इस बेस के ऊपर। यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया है अटैक मिनियंस के साथ, मिनियंस जो है टॉप साइड से यूज़ कर रहे हैं ये, और जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे के सारे मिनियन ऑलमोस्ट यूज़ कर चुके हैं ये टॉप साइड में, और ड्रॉप शिप भी जो है यूज़ किया, और यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बेबी ड्रैगन को फनलिंग के लिए, और बॉटम साइड में जो है बेबी ड्रैगन को परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस अटैक में। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये अटैक जाता है, कितने परसेंटेज ले लेते हैं ब्रिजेश इस अटैक स्ट्रेटेजी के साथ। और ये अटैक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब तक के लिए, क्योंकि बॉटम साइड में जो है बहुत ज़्यादा डैमेज कर लिया है बेबी ड्रैगन ने, तो परसेंटेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ज़्यादा इस अटैक में। और जैसे कि आप देख सकते हो कि अब बस प्रॉब्लम है तो टाउन हॉल का कि वो किस तरीके से डाउन होगा, लेकिन आई थिंक जो है इनकी एयर आर्मी जो है टाउन हॉल तक पहुँच नहीं पाएगी, लेकिन उसके लिए जो है इनके पास बैटल मशीन अभी भी है जो कि इन्होंने अब तक यूज़ नहीं किया। तो बैटल मशीन जो है डायरेक्टली टाउन हॉल को टारगेट कर लेगी यहाँ से, और ये जो है एक और बिल्डिंग डाउन हो गया। अब बैटल मशीन डायरेक्टली वॉल डिस्ट्रॉय करेगी और उसके बाद जो है सीधे टारगेट करने वाली है टाउन हॉल को, और ये इन्होंने यूज़ कर लिया है बैटल मशीन। और राइट साइड में इसने यूज़ किया है दो बीटा मिनियन टारगेट करने के लिए डबल कैनन को, डबल कैनन जो है हो जाएगा जल्दी से डाउन, और ये वॉल हो गई है डिस्ट्रॉय, और बैटल मशीन सीधे आ गई है टाउन हॉल के पास, टाउन हॉल भी हो गया है डिस्ट्रॉय। अब देखते हैं कितने परसेंटेज हो पाते हैं, और ये 82% हो गए, और ये बैटल मशीन हो गया डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर ब्रिजेश ने गेन किया है टोटल 82%। तो इस बैटल का रिजल्ट आप जो है इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हो कि ब्रिजेश ने किया है 82% और अली गेमिंग यूट्यूब ने किया है 74%। ऑलमोस्ट सेम आर्मी यूज़ किए थे दोनों भी प्लेयर्स ने, लेकिन जो है परसेंटेज ज़्यादा है ब्रिजेश के। तो इस वक्त इस बैटल में जीत गया है ब्रिजेश, हमारा इंडिया का टॉप प्लेयर, और जो कि है पटना पायरेट्स क्लैन में। आप भी एक क्लैन जो है ज्वाइन कर सकते हैं और इन लोगों के साथ अमेजिंग पुश कर सकते हैं बिल्डर हॉल 9 में। और चलिए मैं आपको आगे भी कुछ अटैक्स दिखाता हूँ जो कि ब्रिजेश ने किए थे, जिस अटैक की वजह से वो पहुँच गया है नंबर वन पोजीशन पे हमारे इंडिया में। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं जल्दी से आपको वो सारे के सारे अटैक्स दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट सब अटैक्स है 90% के ऊपर। चलिए देखते हैं।
Yeah.
तो बस यही थे आज के सारे बिल्डर बेस के अटैक स्ट्रेटजीज। आप भी अटैक स्ट्रेटजीज जो है यूज़ कर सकते हैं और ट्रॉफी फिशिंग कर सकते हैं। और अली गेमिंग यूट्यूब के चैनल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी उनके वीडियो जो है जाके चेक कर लीजिए और देखिए किस तरीके से वो अटैक करते हैं और ग्लोबल टॉप में पहुँचे हैं। और आप भी जो है ये अटैक स्ट्रेटजी जो अभी आपने देखे वो यूज़ कीजिए और आप भी जो है टॉप लिस्ट में आने को ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।